होली का जश्न हो और राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां ना हो, ऐसा तो हो पाना शायद मुश्किल। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूँ आपके साथ अजय। होली के इस पावन पर्व के त्यौहार के जश्न के माहौल हर कोई सराह हो दिखाई दे रहा है। दिल्ली के लारेंस रोड स्थित होली एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही नज़ारा देख रहा है, जहाँ होली के जश्न में सभी लोग डूबे दिखाई दे। इस कार्यक्रम में राधा कृष्ण की जोड़ी का एक अनोखा संकल्प देखने को मिला, जिसने सभी का दिल मोह लिया। खुशियों के रंग में रंगने वाले आपसी सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक होली के इस त्यौहार का जश्न हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आयोजित होली मिलन के कई कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों में आपसी भाईचारे के अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली के लारेंस रोड में होलसेल होजरी एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित होली मिलन के कार्यक्रम में आपसी सद्भाव और भाईचारे का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला। इस मौके पर प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण की जोड़ी भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही इस दौरान लोगों ने राधा कृष्ण की रासलीला का भी जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में होजरी के व्यवसाय से जुड़े कई व्यापारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। होली मिलन के इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के साथ मनोरंजन के भी कई रंग देखने को मिले। इस मौके पर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों में हर्ष का माहौल भी साफ देखने को मिला। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि होली का ये त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार है। सभी पदाधिकारियों ने कहा कि इस त्यौहार में सभी दुश्मन भी गले मिल जाते हैं और इसी मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हमारा WHA कई वर्षों से हम जो है अपना ये प्रोग्राम होली मिलन का करते हैं और बहुत अच्छा ग्रेसफुल हमारा ये प्रोग्राम होता है और सभी बढ़ चढ़ के हमारी सारी टीम इसमें हिस्सा लेती है और ये हमारे लिए एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम, एक दूसरे के साथ हमने अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए ये एसोसिएशन हमने करी हुई है और इसमें कई प्रयास होते हैं, कई चीज़ें हम करते हैं। होली का ये पर्व जो है हमारा आपस में सबका ये है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मत तो देखिए अब जितने भी लोग होंगे उनकी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है, जो हमारी टारगेट है, वो हमारा एक ही होना चाहिए और उसके लिए जैसे भी बैठकर और जो भी कोई हमारी इंटरनल कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको आपस में मिलके और उससे जो बेटर, जो सबसे अच्छा रास्ता निकल सकता है और जो हम आगे उसको अपनी संस्था को आगे ले जा सकते हैं और अच्छे कार्य कर सकते हैं। WHA होलसेल हौजरी एसोसिएशन दिल्ली की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। इसका जन्म सन 2000 में हुआ जब इसके साथ कुछ थोड़े से लोग थे। बढ़ते बढ़ते आज ये दिल्ली की सबसे बड़ी संस्था बन गई है और लगातार 23 वर्षों से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि छोटे बड़े ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री वाले सबको जोड़ रहे हैं। अब जोड़ते जोड़ते बहुत बड़े समुद्र के रूप में ये बन चुके हैं और होली के इस पावन पर्व पर मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि सभी लोग आपसी मतभेद बुला के रंगों के इस पावन पर्व को दिल से खुशी से मनाएं और अपने व्यापार को, अपने जीवन को उन्नति और तरक्की की तौर ले जाएं। होली क्या है कि होली होती है जो बातें हो चुकी, और एक वो कहता है हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। तो होलिए किसी के साथ होना भी होलिए है और होलीनेस पवित्रता का भी एक उद्योतक है, जैसे हिज होलीनेस। तो होली के बहुत सारे अर्थ हैं और जो चाहे जिस रूप में इसको ले सकता है, और होली हुड़दंग भी है, मस्ती भी है, उमंग भी है, उत्साह भी है और रंगारंग भी है, नशा भी है, और ये जो भी हो सकता है आनंद का जो भी रूप हो सकता है वो होली के अंदर होता है। ये सारा हमारा एक परिवार है, हमने सबको अपने परिवार की तरह जोड़ रखा है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। होली पे दो शब्द, दो लाइन, और रंग भर से भीगे चुनर वाले, रंग भर से। ये 2002 में जब एसोसिएशन बनी थी, जब ही से ऐसा प्रोग्राम करते आ रहे हैं। ये प्रोग्राम एक ऐसा सिंपल प्रोग्राम रहता है, इसमें तीन पीढ़ियाँ भी कई बार एक साथ होती हैं, इसलिए इसकी परंपरा को देख के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि किसी तरह से आपस में
दादा और पोते को ये शर्मिंदगी ना हो कि इस प्रोग्राम में एक अलग हुड़दंगबाजी थी। बहुत सिंपल सोवर प्रोग्राम करते हैं और सभी एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। होली बड़ा अच्छा रंगों का त्यौहार है, भगवान कृष्ण का त्यौहार है, तो हम चाहते हैं कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाए और हिंदुत्व का सम्मान रखते हुए इसको पूरे दुनिया में इसका एक सम बनाया जाए कि होली मनाते हैं तो हिंदुस्तान में मनाते हैं और इसको प्यार का एक रूप माना जाए, उसमें हर कोई रिलेशन मिले और सब कुछ इसको अच्छे से करे। और हुड़दंगबाजी के अलावा और बहुत तरीके हैं उसको खुशी पाने के लिए, उसके अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं।